सो फाइनली गाइस, आज के इस वीडियो में आपका भाई सिखाने वाला है यार आप लोगों को कुछ इस टाइप का दिवाली कॉन्सेप्ट ऑफ फोटो एडिटिंग, वो भी एकदम ही आसान तरीका से। तो फाइनली गाइस, जो हमारा वीडियो है देन जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली गाइस, जो हमारा पिक्सआर्ट है देन उसको हम लोगों को ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद फाइनली गाइस, आप लोगों को ये वाला बैकग्राउंड ले लेना है। ले लेने के बाद देन गाइस, इस बैकग्राउंड का आप लोगों को रिसाइज करना है। रिसाइज नहीं करोगे तो देन गाइस, आप लोगों की जो क्वालिटी है वो लॉस हो जाएगा। तो रिसाइज करने के लिए देन यहाँ आप लोगों को जाना होगा टूल्स पर। टूल्स पर जाने के बाद फाइनली गाइस, यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन हो जाएगा रिसाइज का, देन उस पर क्लिक कर लेना है। जो भी अमाउंट शो हो रहा होगा देन इसको कट करके आप लोग को टाइप कर लेना है 6000। देन यहाँ आप लोग को रिसाइज पे क्लिक कर लेना है। जो भी अमाउंट यहाँ शो हो जाएगा उसको आपको यहाँ टाइप करके यहाँ लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद देन रिसाइज पे क्लिक कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ जो हमारे वाला ऑप्शन है देन इसको थोड़ा सा स्वाइप कर लेना है। स्वाइप कर लेने के बाद देन फाइनली अब जाना है एड फोटो पे। जो हमारा मॉडल का कटआउट है उसको करेंगे ऐड। तो इसको ऐड कर लेने के बाद देन इसका साइज हम लोग कुछ इस टाइप से इंक्रीज करेंगे फाइनली, ठीक है। इंक्रीज कर लेने के बाद देन गाइस, अब क्या करेंगे, अब सीधा चले जाएंगे हम लोग अपना यहाँ इरेज वाले ऑप्शन पे। क्योंकि देन गाइस, जो हमारा मॉडल का हेयर है देन उसको हम लोग इरेज करेंगे। क्योंकि देन गाइस, जो हमारा हेयर का पेंज है देन उसको हम लोग यहाँ लगाने वाले हैं। इसीलिए देन गाइस, यहाँ जो हमारा हेयर है देन उसको हम लोग कुछ इस टाइप से अपना इरेज कर लेंगे। देन हो चुका। उसके बाद देन गाइस, यहाँ से आप लोगों को ऊपर पे राइट का आइकन शो रहा होगा, देन उस पर कर लेना है राइट, ठीक है। राइट कर लेने के बाद देन गाइस, आप लोगों को जाना होगा फिर से यार अपना ऐड फोटो पे। जो अपना हेयर पेंज है उसको करना है ऐड। तो फाइनली गाइस, जो हमारे ये वाला हेयर का पेंज है देन इसको ऐड कर लेने के बाद देन हम लोग अपना जो मॉडल के हेयर है उस पर कुछ इस टाइप से एडजस्ट करके लगा लेना है। तो कुछ इस टाइप से लगा लेने के बाद देन गाइस, फाइनली आप लोगों को जाना होगा यहाँ इरेजर पे। इरेजर पे जाने के बाद देन गाइस, यहाँ फिर से आ जाना है इरेज पे। हार्डनेस, ओपेसिटी और साइज को कम करके देन गाइस, जो हमारा ये वाला पार्ट्स दिख रहा है देख सकते हो, उसको हम लोग को कुछ इस टाइप से यहाँ पे अच्छे से इरेज करके मैचिंग कर लेना है। तो फाइनली गाइस, यहाँ देख सकते हो कितना औसम तरीके से मैचिंग हो चुका है। देन इसके लिए उसके बाद देन गाइस, इसको हम लोगों को थोड़ा सा यहाँ नीचे ले आना है फाइनली कुछ इस टाइप से। यहाँ देख सकते हो नीचे ले आने के बाद आफ्टर ऑल आप लोगों का देख सकते हो जो हेयर है कितना औसम तरीके से लग रहा है। देन ओके गाइस, यहाँ देख सकते हो। देन उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, यहाँ राइट का आइकन शो रहेगा देन उस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद फाइनली गाइस, अब जाना होगा हम लोगों को फिर से अपना ऐड फोटो पे। जो अपना बाकी का पेन जी है देन उसको करेंगे हम लोग ऐड। तो फाइनली गाइस, ये वाला पीएनजी को आप लोगों को ऐड कर लेना है। इसका साइज को कुछ इस टाइप से आप लोगों को इंक्रीज कर लेना है। इंक्रीज कर लेने के बाद देन यहाँ आप लोगों को ऊपर पे कुछ इस टाइप से बिठा लेना है। देन इसका ओपेसिटी आप लोगों को थोड़ा सा डिक्रीज कर लेना है। तो लगभग इसको हम लोग रखेंगे अपना 50% के आसपास। देन ओके गाइस, उसके बाद देन फिर से जाएंगे हम लोग अपना ऐड फोटो पे। देन गाइस, जो हमने अभी अपना बैकग्राउंड ऐड किया है अपने मॉडल के पीछे देन उस बैकग्राउंड को फिर से ऐड करना है। इसको आप लोगों को इस तरह से फिर से सेम पोजीशन पे बिठा लेना है, ठीक है। सेम पोजीशन पे बिठा लेने के बाद देन गाइस, यहाँ आप लोगों को जाना होगा इरेजर पे। इरेजर पे आने के बाद देन गाइस, फिर से आ जाना है इरेजर पे। हार्डनेस, ओपेसिटी कम करके साइज को फुल कर लेना है। देन इसके बाद आप लोगों को कुछ इस टाइप से इरेज कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ हार्डनेस, ओपेसिटी आप लोगों को सभी को फुल करके कुछ इस टाइप से इरेज कर लेना है। इतना हो जाने के बाद देन गाइस, फिर से हार्डनेस, ओपेसिटी कम करेंगे, साइज डिक्रीज करेंगे। फाइनली आप लोगों को उसके बाद आप लोगों को कुछ इस टाइप से इरेज कर लेना है। तो यहाँ फाइनली गाइस देख सकते हो, उसके बाद जो हमारा शेडो का पीएनजी यहाँ नीचे पे क्रिएट हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है गाइस। फाइनली यहाँ से आप लोगों को कर लेना है राइट पे क्लिक। राइट पे क्लिक कर लेने के बाद देन गाइस, फाइनली आप लोगों का पिक कुछ इस टाइप से दिखने लगेगा। देन उसके बाद आप लोगों को फिर से जाना होगा अपना ऐड फोटो पे। जो और हमारे बाकी के पीएनजी है उनको कर लेते हैं ऐड। सो गाइस, जो हमारे ये वाला पीएनजी है देन उसको हम लोग कुछ इस टाइप से बड़ा कर लेंगे और साइड पे हम लोग इसको कुछ इस टाइप से यहाँ पे लगा लेंगे। इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे यार, कुछ इतना सा। देन ओके गाइस, उसके बाद देन फिर से जाएंगे हम लोग अपना ऐड फोटो पे, फिर से करेंगे जो हमारा पीएनजी है उसको ऐड। सो गाइस, ये वाला पीएनजी को आप लोग को यहाँ पे मैचिंग करके सेम यहाँ साइज में अच्छे से रख लेना है, देख सकते हो कुछ इस टाइप से। देन उसके बाद यहाँ आप लोगों को कुछ इस टाइप से इस साइड ले आना है। ले आने के बाद देन गाइस, फाइनली आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ से आप लोगों को एक ऑप्शन होगा, ठीक है। ऊपर पे यहाँ देख सकते हो आप लोगों को शो रहा होगा ये वाला ऑप्शन। देन इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद फाइनली गाइस, आप लोगों को बीच पे एक ऑप्शन होगा मूव डाउन का, देन उस पर क्लिक कर लेना है। इसको हम लोगों को पीछे कर लेना है फाइनली कुछ इस टाइप से। आफ्टर ऑल उसके बाद जो आप लोगों का देख सकते हो ये 2022 का जो
टेक्स्ट पीएनजी है, देन उसको हम लोगों को कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेना है। फाइनली उसके बाद जो हमारा पिक है कुछ इस टाइप से दिखने लगेगा, देन उसके बाद फिर से जाना है गाइस हम लोग को अपना ऐड फोटो पे, जो और पीएनजी है उनको कर लेंगे ऐड। तो फाइनली गाइस जो हमारा हैप्पी दिवाली का यहाँ देख सकते हो टेक्स्ट पीएनजी है, देन उसको हम लोग को नीचे पे कुछ इस टाइप से फाइनली लगा लेना है। अपलोड लगा लेने के बाद देन गाइस फिर से जाएंगे हम लोग अपना ऐड फोटो पे, फिर से करेंगे जो पीएनजी है उसको ऐड। तो फाइनली गाइस ये वाला पीएनजी को आप लोगों को ऐड कर लेना है, जो अपना मॉडल के हैंड है उस पर कुछ इस टाइप से अच्छे से रख लेना है, ठीक है, अगर आप लोगों का मॉडल कुछ इस टाइप से होगा तो, ठीक है। देन उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, यहाँ से रख लेने के बाद देन जाना है इरेजर पे। इरेजर पे आ जाने के बाद देन आप लोगों का है बीच का जो एरिया है उसको आप लोगों को कुछ इस टाइप से इरेज कर लेना है, देन हार्डनेस थोड़ा इंक्रीज करेंगे और यहाँ हम लोग कुछ इस टाइप से अच्छे से हम मैच कर लेंगे। तो फाइनली गाइस उसके बाद जो हमारा पीक है देख सकते हो कितना औसम तरीके से लग रहा है, देन उसके बाद फिर से जाएंगे गाइस हम लोग अपना ऐड फोटो पे, फिर से करेंगे जो हमारा पीएनजी है उसको ऐड। सो फाइनली ये वाला पीएनजी ऐड कर लेने के बाद देन साइज को आप लोगों को कुछ इस टाइप से बड़ा कर लेना है। बड़ा कर लेने के बाद देन गाइस आप लोगों को फिर से हम मूव डाउन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है, जब तक ये पीछे चले ना जाए हमारे मॉडल के कुछ इस टाइप से, ठीक है, देख सकते हो। देन इसके बाद यहाँ आप लोगों को थोड़ा सा इसका ओपेसिटी डिक्रीज कर लेना है। फाइनली हम लोग इसको रखेंगे 63%। देन उसके बाद देन गाइस एक लास्ट पीएनजी हमें और ऐड करना है, इसके लिए फिर से जाएंगे हम लोग अपना ऐड फोटो पे। सो गाइस फाइनली ये वाला पीएनजी ऐड कर लेने के बाद देन इसका साइज को आप लोगों को कुछ इस टाइप से बड़ा कर लेना है, ठीक है, यहाँ देख सकते हो आप लोगों को। बड़ा कर लेने के बाद देन इसको आप लोगों को कुछ इस टाइप से ऊपर पे लगा लेना है। लगा लेने के बाद देन थोड़ा सा स्वाइप कर लेना है। स्वाइप कर लेने के बाद देन गाइस फाइनली आप लोगों को ब्लाइंड का ऑप्शन हो जाएगा, देन इस पर क्लिक करके इसको कर लेना है स्क्रीन। स्क्रीन कर लेने के बाद देन गाइस फाइनली आप लोगों को यहाँ मूव डाउन पे क्लिक कर लेना है ताकि ये पीछे चले जाए। आफ्टर ऑल उसके बाद देन गाइस यहाँ देख सकते हो जो हमारा कॉन्सेप्ट है यार बनकर रेडी हो चुका है। देन एकदम ही आसान तरीके से, शायद गाइस आप लोगों को कोई भी ऐसा बताया होगा इतना आसान तरीके से कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग करके। तो देन गाइस जो हमारे यहाँ पिक्सआर्ट का काम है यार वो खत्म हो चुका है फाइनली। देन इसको यहाँ से हम लोग कर लेंगे राइट पे क्लिक। राइट पे क्लिक कर लेने के बाद देन गाइस फाइनली इसको हम लोग को लेके जाना है ड्रॉ टूल पे, कर लेना है फाइनली जो हमारा फोटो है उसको सेव। देन इसका हम लोग थोड़ा बहुत कलर रिटचिंग करेंगे गाइस फाइनली अपना लाइट रूम में। सो फाइनली गाइस यहाँ देख सकते हो आज जो हमारा मॉडल देन उसको हमने अपना लाइट रूम में ऐड कर लिया है। ऐड कर लेने के बाद देन गाइस यहाँ आप लोगों को सीधा सीधा चले जाना है कलर वाले ऑप्शन पे। देन यहाँ आप लोगों को कलर वाले ऑप्शन पे आ जाने के बाद सबसे यहाँ नीचे पे आप लोगों को दो कलर हो रहा होगा, देन उसमें से आप लोगों को वाइब्रेंस थोड़ा इंक्रीज करना है, सेचुरेशन थोड़ा इंक्रीज करना है ताकि जो आप लोगों के कपड़े और जो बैकग्राउंड है उस पर अच्छे से चमक आ जाए। फाइनली उसके बाद देन आ जाना है मिक्स टूल पे, जो आप लोगों का रेड कलर है पहला वाला देन उसका लुमिनेस इंक्रीज करना है, दूसरा वाला का सेचुरेशन आप लोगों को अपने हिसाब से इंक्रीज कर लेना है। तो फाइनली 13 कर लेंगे। जिन दूसरा वाला कलर है देन उसका लुमिनेस इंक्रीज करेंगे ताकि आप लोगों का जो फेस है वो गोरा हो जाए, और सेचुरेशन डिक्रीज करेंगे ताकि जो हमारा फेस हो और अच्छे से यहाँ गोरा हो जाए, फाइनली देख सकते हो। देन उसके बाद जो आप लोगों का येलो कलर है उसको क्लिक करके आप लोग हुई को चेंज करोगे तो फाइनली आप लोगों का जो बैकग्राउंड है वो कुछ इस टाइप से चेंज हो जाएगा। तो देन गाइस यही वाला हम लोगों को बेस्ट लग रहा है तो हम लोग इसको सेम ही रहने देंगे। देन उसके बाद देन गाइस आप लोगों का देख सकते हो कपड़े का कलर है, तो आप लोग कपड़ों का कलर चेंज करना चाहते हो तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ सेम कलर चूज कर लेना है कुछ इस टाइप से। देन हुई को आप लोगों को इस टाइप से चेंज कर लेना है। फाइनली उसके बाद देख सकते हो जो आप लोगों का कपड़ों का कलर है वो चेंज हो जाएगा। तो देन गाइस मुझे चेंज नहीं करना है, सिर्फ इसका सेचुरेशन बढ़ाना है ताकि जो हमारे कपड़े पे अच्छे से चमक आ जाए। देन ओके गाइस और कुछ इस टाइप से हम लोग जो अपना चश्मा का कलर है उसका भी सेचुरेशन बढ़ा लेंगे। देन उसके बाद यहाँ कुछ भी नहीं करेंगे गाइस, सीधा कर लेंगे डन। आ जाएंगे इफेक्ट टूल पे, देन क्लैरिटी थोड़ा इंक्रीज करेंगे, विग्नेट डिक्रीज करेंगे और ये वालों को हम लोग यहाँ थोड़ा इंक्रीज करेंगे, फेदर को थोड़ा इंक्रीज करेंगे, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा टेक्सचर ऐड करेंगे, लगभग हम लोग यहाँ ज़्यादा नहीं करेंगे 6%। यहाँ क्लैरिटी को थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे। फाइनली गाइस हम लोग क्लैरिटी रखेंगे अपना 5-7% के आसपास। देन आ जाएंगे लाइट टूल पे, यहाँ देन अपना जो कंट्रास्ट है उसको फाइनली हम लोग यहाँ थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे, लगभग यहाँ 6%। देन शेडो को हम लोग थोड़ा यहाँ इंक्रीज करेंगे, लगभग 9%। व्हाइट को थोड़ा डिक्रीज करेंगे गाइस, लगभग 17%। और यहाँ ब्लैक को गाइस डिक्रीज करेंगे, लगभग 11%। फाइनली गाइस उसके बाद देख सकते हो बिफोर इन आफ्टर, जो हमारा पीके कितना औसम तरीका से एडिट हो चुका है।